अस्सलामुअलैकुम। जिंदगी में काफ़ी ठोकरें लगती हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला हमारा खुद का होता है। अगर कुछ सीखना है तो खामोश रहना सीखें। लफ्ज़ों के मतलब तो हज़ारों निकलते हैं। कभी कभी आपके पास रोने के लिए कंधा नहीं होता, लेकिन सजदों में रोने के लिए ज़मीन ज़रूरी होती है। बग़ैर दवाइयों के सोते हो, बग़ैर सुबह के तकलीफ के जागते हो, बग़ैर किसी सहारे के आते जाते हो, बग़ैर खाते पीते हो, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत यकीन, अल्लाह कभी दूसरा दर खोले बग़ैर पहला दर बंद नहीं करता। कामयाब हो गया जिसने अपने गुनाहों को पाक कर लिया। कह दो उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली दफ़ा पैदा किया था। हर इंसान को खुदा ने बादशाह पैदा किया है अपनी सोच का। कुछ भी सोच सकता है, गुलामों की सोच या बादशाहों की सोच। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा सदका रूठे हुए लोगों को सुलह करा देना है। अल्लाह की पकड़ इंसान को एक झटके में निकाल देती है। इससे पहले टूट जाओ या झुक जाओ। आपस की नाराज़गी में बेहतर वो है जो सुलह करने में पहल करे। जिसने मेरे बाद किसी मुसलमान का दिल खुश किया, इसने मुझे मेरी कब्र पन्नूर में खुश किया। और जिसने मुझे खुश किया, अल्लाह ताला में इसे क़यामत के दिन खुशी अता फरमाएगा। आधी दुनिया तो मोबाइल ने मतलबी बना दी है। जब हर बंदा अपना सुकून मोबाइल में तलाश कर रहा हो, तो इसे रिश्तेदारी और सच्ची मोहब्बत की क्या ज़रूरत। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अख़लाक है। ज़िंदगी ये नहीं कि आप तूफ़ानों से कैसे बचते हो, ज़िंदगी ये है कि आप बारिश को कैसे इंजॉय करते हो। किसी इंसान में खूबी देखो तो इसे बयान करो, लेकिन अगर खामी देखो तो ये तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। ताल्लुक़ ख़त्म होने पर इखलाक को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ना आसान थी और ना ही होगी, तो बहादुर बने, रब पर तवक्कुल रखें और मुस्कराया। नाकामी कबूल है मगर कोशिश ना करना कबूल नहीं।